ने देखे तीन मजाक सॉरी। तो अभी मैं चल रहा हूँ बाहर, तो कोई बच्चा था। जिंदगी में पहली बार जो है मुझे किसी ने मतलब इस तरीके से जो है ऐसे हग करके मतलब वो किया है। तो बच्चे को मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी आगे ही था। तो उस वक्त बहुत अंदर मैंने मतलब पैसे रखे हुए थे हमारा, लेकिन पहली बार जो है मैंने इस तरीके से बच्चे को देखा। मतलब उसने पूरा सर जो है हग किया था पूरा मतलब। तो अभी चलते हैं वहाँ पर उस साइड, जैसे यहाँ पर दिखते हैं अभी बच्चे मतलब स्कूल जाने की उम्र में जो है पैसा मांग रहे हैं मतलब। यस यस बच्चों को जो है खाना दिया वहाँ पर देख। और भी मतलब दो तीन बच्चे थे, और कुछ एक बच्चे ने तो ये भी दिया, पता नहीं क्या है तो ये कुछ दिया। और मैंने भाई पैसे देने से खाना मुझे सही लगा। जैसे वो बच्चा जो पहले था वो तो दिखा नहीं, लेकिन दूसरे कई बच्चे दिख गए, सब जो है खा रहे हैं। तो बड़ा ही भाई दुख होता है मुझे तो, मतलब कितने मासूम से बच्चे हैं। पास जितने कुछ थे और मेरे पास करेंसी नहीं थी, तो मैंने जितने थे मतलब वहाँ पर उनको दे दिए। बच्चे जितने अब देख रहे खा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं। हाँ तो भाई अभी हम जा रहे हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन के लिए। फ़िलहाल चार्ज भी बहुत कम है, 18% चार्ज है, और मुझे वीडियोस भी लेनी है। तो अभी मैं थोड़ा कम वीडियो जो है बनाऊँगा, थोड़ा कम रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी देखे बहुत मतलब कितना माशाल्लाह व्यू आ रहा है पीछे सूरज। और आगे लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में। मुझे तो बच्चों की शक्लें अभी भाई याद आ रही है, कितने मतलब स्कूल जाने की उम्र में मतलब पूरा पकड़ लेते हैं बच्चे, बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास। भाई उनमें से एक बच्चा जो है पराठे जो है बेच रहा था, तो इंग्लिश तो नहीं आती थी। मैंने पहले खरीदा और कहा कि मतलब दो और बच्चे थे उन्हें दे दे। तो एक बच्चे ने जो लिया, एक बच्ची ने लिया, और एक ने कहा कि मुझे वो मतलब वो चाहिए वहाँ पर जो अंकल बेच रहे थे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मतलब इशारा किया कि ये जो है मैं खा लेता हूँ ऐसा। मुझे तब बड़ा वो हुआ, क्या बोलूँ मैं, यही वो पराठे वाला बच्चा है। और ये बच्चा भी बहुत मतलब पूरा छोड़ता नहीं है, इतना मतलब पकड़ लेता है। दो बच्चे हैं, दोनों की ज़िंदगी अलग है। एक काम कर रहा है, एक अपनी अम्मी के साथ घूम रहा है। ज़माने में तकदीर सबकी जुदा है, तुझे कुछ मिला है मुझे कुछ मिला है। इधर है तेरी ज़िंदगानी में खुशियाँ, इधर है मेरी ज़िंदगानी में आंसू। तो रफ़ी साहब का वो शेर इतना मैश होता है इन बच्चों पर। ज़माने में तकदीर सबकी जुदा है,
तुझे कुछ मिला है मुझे कुछ मिला है, उधर है तेरी जिंदगानी में खुशियाँ, इधर है मेरी जिंदगानी में आंसू। पीछे रोजा भी देखे कितना माशाल्लाह लग रहा है। शाम का वक्त तेहरान 6:42, ये बच्चा आ ये रहा पिसाए। अभी हमने 3 रोजे की ज्यारत की। लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू, ये अनमोल तारे ये उल्फत के मोती, उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू, उन्हें हम कहानी सुनाने न पाए, उन्हें बाग दिल पे दिखाने न पाए, ये आंसू हमारे बड़े काम आए, जुबान बन गए बेजुबानी में आंसू, न समझो के आंसू है गम की कहानी, ये आंसू है उल्फत की पहली निशानी। कर के का